मेंटल मैथ क्लास 8। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट वाला। काफ़ी कमेंट्स आए थे सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, तो मैं लेकर आया हूँ। बच्चों आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, एक बार समझ में आए दोबारा देखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आप दो तरीके से कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बताकर कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर अकेले में नोटबुक पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, और इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इधर से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो लिखा है √32 + √48, और इधर नीचे डिनोमिनेटर में गिवन है √8 + √12, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, 32 के आपको फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है ना, रूट के अंदर है ना, तो 32 के फैक्टर करेंगे और पेयर बनाकर उस जिसका पेयर बन गया उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। आइए करते हैं। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 8 जा 16 हो गया, और 2 4 जा 8, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर वन पेयर बन गया, इधर ये एक और पेयर बन गया। अब 2 का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बना उनमें से एक एक नंबर आपको ले लेना है और उनको मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर लिख देना। तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 √ यहाँ पर, भाई 2 का पेयर नहीं बना तो 2 को अंदर ही रहने दें, ठीक है, प्लस 1। अब 48 का भी आपको इसी तरीके से करना है, तो 48 के जब आप फैक्टर करेंगे तो उसमें से 4 √3 आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। तो आप 48 के फैक्टर यहाँ पे करके देख सकते हैं, पेयर बनेगा, ठीक है। तो उसमें से जिसका पेयर बनेगा उसमें से वन नंबर लेके बाहर रखना है, और जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रख देना, तो √3 का इसमें नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। आइए करते हैं नीचे। अब बच्चों 8 है ना, 8, तो 8 को लिख सकते हैं 2 √2, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये पेयर बन जाएगा बच्चों, और प्लस का साइन, तो 12 को लिखेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, तो 2 √ कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 12 के आप फैक्टर करके देख सकते हैं, तो इस तरीके, जिसका पेयर बने उसको बाहर ले लेना, जिसका पेयर ना बने उसको अंदर रहने देना, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर, आइए इधर कर लेते हैं। अब आप चाहो तो देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4/2, ठीक है, और ये यहाँ पर सेम रूट लिख सकते हो, इसे √2/√2 लिख सकते हैं, प्लस का साइन, और 4/2 इधर भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, लिख सकते हो ना। और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और ये भी कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा + 2, तो कितना हो गया बच्चों 4 हो गया, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या कहता है, इफ 3 5 - y² = 675, देन फाइंड द सम ऑफ द 2 वैल्यूज ऑफ y, y की जो 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। कैसे करना है आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को आप यू का लिखिए, 5 - y² = 675, बच्चों 3 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आकर वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पर, अब ये स्क्वेयर को है ना, ये 5 - y इधर ये 225, जब स्क्वेयर को इधर लेके आएंगे स्क्वेयर रूट में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का होगा बच्चों, ठीक है, तो यानी जो भी आंसर आएगा, बस 225 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 15 होता है, तो 15 प्लस का माइनस का आ सकता है। अगर हम -15 का स्क्वेयर रूट निकालें, -15 का स्क्वेयर करेंगे तो 225 आएगा, प्लस का करेंगे तो भी 225 आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब हमें निकालिए वाई की वैल्यू यहाँ पर, तो -y = यहाँ पर एक बार हम प्लस ले लेते हैं, +15, ठीक है। अब बच्चों 5 इधर प्लस में है,
फाइव इधर प्लस में ना, ये देख रहे हैं ना प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, तो ये मैंने माइनस में कर दिया। तो वाई इक्वल यहाँ पर 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये जो माइनस का साइन है ना, आप यहाँ पर लगा ले, एक वैल्यू तो ये निकल गई। अच्छा दोबारा ले लेते हैं, तो ये 5 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब की बार प्लस 15 लिया, तब की बार क्या ले लेते हैं, माइनस 15 ले लेते हैं, ये माइनस 15, ठीक है ना। अब क्या करना है, प्लस 5 पे इधर आकर ये माइनस 5 हो जाएगा, इस तरीके से ये माइनस 5 हो गया। और माइनस 15 और माइनस 5 कितना होता है, माइनस 20 होता है, ठीक है। माइनस से माइनस का साइन कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब पूछा है द, यहाँ पर लिखा है द फाइंड द सम ऑफ टू, ठीक है, धुंधला तो नहीं है ना, धुंधला सा, ठीक है, टू वैल्यूज ऑफ y, तो सम फाइंड आउट करना है भाई। एक वैल्यू तो ये आ गई और सम करना है, तो ये प्लस का साइन, और सेकंड वैल्यू ये माइनस 10 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब हम करेंगे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही ईजी है, फाइंड द स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मिक्स नंबर गिवन है, इधर भी मिक्स नंबर गिवन है, और इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उस नंबर का स्क्वेयर रूट हमें फाइंड आउट करना है। आइए पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम है जो होल नंबर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 221 को 1 से करें, 221 आएगा, और 121 में हम 48 को क्या कर देते, ऐड कर देते, तो 9 और 6 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 169/121, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। आइए इधर भी कर लेते हैं, तो 16/7 जा होता 112 में 9 ऐड करें तो 121, और नीचे क्या आ गया, 16 आ गया। अब 121 से 120 कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 169/16 आ गया, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वेयर रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है। तो बच्चों आपको देखो 20 तक तो लर्न होने चाहिए, तभी आप इसको आसानी से और कर पाएंगे। तो 169 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 16 का स्क्वेयर रूट क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, इस तरीके से आपको करना है, तो ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके सामने बच्चों, इस पर मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देख रहे हैं 2.644 स्क्वायर माइनस 2.356 होल स्क्वायर और बाई में 0.288 गिवन है, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला नंबर लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और ये इक्वल होता है बच्चों ए प्लस बी, ठीक है ना, और ए माइनस बी, इस तरीके से इसी के फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं बच्चों इधर, तो ये हो गया 2.644 प्लस बी, बी क्या है 2.356, ठीक है, ये आ गया, ये मैंने लिख दिया। फिर माइनस का यहाँ पर एक ब्रैकेट डालेंगे, अब माइनस का होगा ए माइनस बी, तो 2.644, ठीक है, और माइनस 2.356 इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर ये 0.288, ठीक है, ये आ गया। आइए करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों इधर। तो अब जब ऐड करेंगे तो आप इसको ऐड करके देखना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5.000 इस तरीके से आएगा, ठीक है, ऐड करते ही। और इन टू का साइन यहाँ पर, अब इसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 4 में से 6 माइनस होंगे, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, ठीक है ना, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रह गया क्या, 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से बोरो लेंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे क्या रह गया, 5 रह गया, 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो 0.288 ये आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों हमारे पास बचा 5.000, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंट के पीछे सभी जीरो है, तो इनको आप हटा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 5 आपका आंसर बन गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लेंगे हम बच्चों 5th क्वेश्चन नंबर, 5th ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये रहा आपके सामने। क्या कहता है देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5th कहता है द सम ऑफ टू कंजिकेटिव नंबर इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ 15, ठीक है। दो लगातार नंबर हैं, संख्याएं हैं,
ठीक है, कंजुगेटिव नंबर है, उनका जो सम है वो 15 के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, जैसे लेट कर लेते हैं, मान लीजिए लेट द, यहाँ पर देखो आगे लिखा फाइंड डबल ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो एक स्मॉलर होगा एक लार्जर नंबर होगा। लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर निकाल लेते हैं पहले, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और लार्जर नंबर क्या आएगा वो भी लिख लेते हैं, तो एक्स प्लस वन होगा क्योंकि कंजुगेटिव है। ठीक है, अब इसमें कहा कि इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये स्मॉलर नंबर प्लस लार्जर नंबर इनका सम इक्वल है बच्चों किसके, 15 के स्क्वायर के इक्वल, तो 15 का स्क्वायर ये होता है, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे या 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ही कि 225 आ जाएगा। ठीक है, आइए 1x और 1x कितना होता है 2x और इक्वल 225, ये प्लस 1 है, इसको लेके आओ इक्वल के साइन से इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस क्या तो क्या आ गया 224 आ गया बच्चों। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पर पूछा है कि स्मॉलर नंबर का डबल, ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्मॉलर नंबर क्या है x, तो x का डबल ये हो गया 2x हो गया, तो स्मॉलर नंबर का डबल क्या हो गया 224 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर x इक्वल 224, ठीक है, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 112, तो x क्या आ गया 112 आ गया। आप इसमें पूछा है फाइंड द डबल ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर तो भाई ये यही रहेगा ना, लार्जर नंबर तो ये हो जाएगा, इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, तो इसका डबल फाइंड आउट करना है, तो 112 को 2 से आप क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 224 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आंसर इधर ही निकल गया। ठीक है ना भाई, इस लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर है ना, ये स्मॉलर x है, x का डबल हो गया, यही तो फाइंड आउट करना था ना, फाइंड द डबल ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का डबल 224 हो गया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे धुंधला आ रहा है ये, जरा मैं एक मिनट इसको ठीक कर, ये देखिए अब यहाँ पर ये ठीक हो गया है। ठीक है, धुंधला था काफ़ी, तो पता नहीं चलता कई बार, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करके दिखाता हूँ भाई। ये 320 प्लस यहाँ पर ये इस रूट 9 है, ठीक है, और प्लस 49 है ना, 49 का रूट क्या होता है, ये स्क्वेयर रूट क्या होता है 49 का, क्या होगा 7 होगा, तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं इस तरीके स्टेप बाई स्टेप, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं। अब बच्चों 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 होता है बच्चों 16, ठीक है, यहाँ पर आगे कर लेते हैं, ये देखो 320 और प्लस यहाँ पर अब 16 का स्क्वेयर रूट आ गया। ठीक है, तो स्क्वेयर 16 का स्क्वेयर रूट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होता है 4 होता है, तो 4 ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐड कर दें तो 324 आ गया, 324 का स्क्वेयर रूट क्या होगा 18 होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना है 1 से लेके 20 तक आपको लर्न करना है ये, ठीक है ना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सिंप्लीफाई करना है बच्चों, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, आइए करना शुरू करते हैं। तो पहले तो आप लिख लीजिए 1000, यू का यूँ लिख लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है, आप चाहे तो एक ही स्क्वेयर रूट के अंदर रख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4410, ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये इसको ये भी स्क्वेयर रूट के अंदर ही है, तो 441, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम पॉइंट के लिए ऊपर लगा लीजिए 1, और पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 20 लगा लेते हैं, नीचे का ऊपर लिखना, ऊपर का नीचे लिखना है। ठीक है, अब ये कर सकते हैं, तो 441 बन जा, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 10 पे हो गया डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, तो अब बच्चों देखो अगर मैं इसको सबको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 कितनी है 3 और 1 4 और 2 6, 60 हो गई बच्चों। ठीक है, ये 60 गई, अब इसका हमें स्क्वेयर रूट निकालना है, तो बच्चों क्या होता है स्क्वेयर रूट में 0 का हाफ हो जाता है, 0 का हाफ हो जाता है, 6 है तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के रूप में आई हुई है संख्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है ए प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं,
यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, इस तरीके से, ठीक है। आइए प्लस करते हैं, 9 और 2 11, ठीक है, कैरी 1, 9 और 0, 9 का 9 और 1 क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कैरी फिर 1 आ गया, 5 और 4 9 और 1 10, ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। अब इन 502 में से 499 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 3 0 0 3 0 0 3 1 जा 3, ठीक है, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर ले, अदरवाइज आपको नहीं आते तो आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया है ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने इसमें लिए हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा 2 और लेता तो काफ़ी लंबी हो जाती। तो बच्चों मिलेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, दूसरे बच्चों को सिखाना है, ठीक है ना, और अच्छी रैंक लेके आनी है। मैं तो कहता हूँ अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक लेके आए, तभी मेरे पढ़ाने का और आपके स्कूल जाने का और स्कूल में टीचर के बताने का सही यूज होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।